आपका क्वेश्चन है वेरीफाई दैट द मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल एबीसी इन टू इक्वल एरिया हुज वर्टिसेस आर ए 4, -6, बी इज 3, -2 एंड सी इज 5, 2। तो आपको प्रूव करना है कि जो मीडियन है वो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो सपोज दिस इज योर ट्रायंगल, ठीक है, दिस इज योर ए, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, और देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 4, -6, 4, -6, बी के दे रखे हैं 3, -2 एंड सी के 5, 2। तो अभी हम मीडियन ड्रॉ करेंगे जो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप ए से ड्रॉ करेंगे तो वो बी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। दैट मीन्स लाइक दिस, दिस इज योर डी पॉइंट एंड ये जो डी है ये बी सी के सेंटर में होता है हमेशा। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। तो D के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं। तो हमारे पास में सेक्शन फॉर्मूला के अंदर आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है, क्या है वो, X इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड Y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। तो आपको एक्स वन वाई वन ये एक्स टू वाई टू ये लेना है। तो देखो क्या आ रहा है आपका 3, +5/2 दैट इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। तो x तो आपका 4 आ गया है, y देखो कितना आ रहा है -2, +2/2 तो ये आपका आ गया 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4, 0, तो इसके हो गए आपके 4, 0, ठीक है। अब आपको वेरीफाई करना है, तो ये एक ट्रायंगल है एंड ये सेकंड ट्रायंगल है, दोनों का एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला हम लिख देते हैं ट्रायंगल का, तो क्या हो जाएगा, देखो ट्रायंगल का एरिया That is equal to half modulus of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 और modulus। तो ये है फॉर्मूला फॉर अ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हम x1, y1 एंड वो ले लेते हैं वैल्यूज। तो हमने क्या किया, ये वाले को x1, y1 ले लिया, b को ले लिया x2, y2 एंड d को ले लिया x3, y3, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल कर लेते हैं एरिया, तो वो हो गया आपका ए बी डी एरिया। तो देखो क्या आ रहा है, हाफ मॉडुलस x1 दैट मीन्स 4 इंटू नेक्स्ट कम्स -2, 0, -0 इज -2 ओनली, फिर नेक्स्ट इज x2 That is 3, फिर क्या हो गया आपका y3 minus y1 दैट मीन 0 माइनस ऑफ -6 इज +6 तो आपका आ गया 6, फिर x3 इज 4 +4, फिर क्या आ गया y1 minus y2 -6 माइनस ऑफ -2 इज +2 -6 +2
मॉडुलस। तो हाफ, नेक्स्ट इज 4 इंटू माइनस 2 इज माइनस 8, प्लस 3 इंटू 6 इज 18, माइनस 4 प्लस 2, माइनस 6 प्लस 2 इज माइनस 4, माइनस 4 इंटू 4 इज माइनस 16। तो दिस इज इक्वल टू, वी कैन से हाफ मॉडुलस ऑफ माइनस 24 प्लस 18, दैट इज इक्वल टू वी कैन से हाफ इंटू माइनस 6। तो ये देखो हमने मॉडुलस लगा रखा है, उसका मतलब कि मॉडुलस के बाहर सिर्फ आपकी वैल्यूज विल कम, नॉट द साइन, तो दैट में 6 विल कम आउट। तो आपका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट, 1 का हो गया, कम्स टू 2, तो 2 क्या है हमारा, ए सी डी, तो ट्रायंगल ए सी डी, तो दैट इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस एक्स 1। तो यहां पर हमारा x1 ये है, x3 ये है, तो ये क्या हो गया, x2 कॉमा y2। तो देखो x1 के बाद y2 माइनस y3, 2 माइनस 0 इज 2, तो दैट मीन्स 4 इंटू 2। नेक्स्ट इज x2 प्लस 5, तो क्या हो गया आपका y3 माइनस y1, तो y3 इज 0, माइनस ऑफ माइनस 6 इज प्लस 6, तो इधर 6 आ गया। नेक्स्ट कम्स योर x3 दैट इज 4 प्लस 4, तो y1 माइनस y2 माइनस 6 माइनस 2, मॉडुलस क्लोज कर दिया, देखो क्या आ रहा है, 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 5 इंटू 6 इज 30 माइनस 8, है ना, माइनस 6 माइनस 2 इज माइनस 8, माइनस 8 इंटू 4 इज माइनस 32। तो दिस इज इक्वल टू वी कैन से हाफ 38 माइनस 32, दैट इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस ऑफ 6। तो इसमें साइन विल नॉट बी मैटर, मॉडुलस में ओनली द वैल्यू विल कम आउट। तो ये हो गया आपका हाफ इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। नाउ यू कैन चेक, यहां पर भी 3 स्क्वायर यूनिट आया, यहां पर भी 3 स्क्वायर यूनिट आया, दैट मीन्स दैट एरियाज आर इक्वल।